नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। लेकर हाजिर है सुपरी नीति से जुड़ी एक नई और दिलचस्प अपडेट के साथ, जहां पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जहां एक तरफ हो जाएगा नीति का मिसकैरेज, वहीं दूसरी तरफ परी जो इस बात के लिए खुद को जिम्मेदार मानने वाली है। जी हाँ, जैसा कि लास्ट ट्रैक में आप सभी को देखने को मिला कि नीति जो है वो विशाल से मिलने जाती है कि विशाल शादी क्यों कर रहा है, और इसी बीच जब नीति जो है उसको चोट लग जाती है और ऐसे में अब नीति का हो जाएगा मिसकैरेज। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि अब यहाँ पर गुस्सा फूटने वाला है किसी और का नहीं बल्कि नीति का, परी के ऊपर, क्योंकि नीति जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ परी के लिए ही गई थी विशाल से मिलने के लिए। लेकिन विशाल ने तो यहाँ पर नीति को सारे की सारी सच्चाई बता दी है कि मैं तो परी का पति हूँ ही नहीं, हमारी शादी हुई ही नहीं है, और इतने दिनों से मैं सिर्फ और सिर्फ परी का पति बनने का नाटक कर रहा था। जहाँ एक तरफ अब नीति का दिल टूट गया है क्योंकि उसने अपना बच्चा जो खो दिया है, वहीं दूसरी तरफ नीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान भी है कि परी ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि अब नीति जो है वो अपने बच्चे के जो जाने का गम है वो किसी और पर नहीं बल्कि परी पर निकालने वाली है, और इस बात का पूरा ब्लेम आ जाने वाला है परी के ऊपर। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार अब यही है नीति और परी की दोस्ती का अंत। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल।